निफ्टी 20,100 के ऊपर बंद हुआ। इंडेक्स ऑप्शंस एक्सपायरी के कारण व्यापार अस्थिर था, मुनाफा वसूली से बढ़त सीमित रही, लेकिन धातु और रियल्टी जैसे क्षेत्रों ने अच्छा प्रदर्शन किया। रुपया पिछले बंद भाव 82.99 डॉलर के मुकाबले 83.03 डॉलर प्रति डॉलर पर बंद हुआ। एलएनटी ने भारत में बीवीएस 10 ऑल टेरेन व्हीकल लाने के लिए बीएई सिस्टम्स के साथ साझेदारी की है। परसिस्टेंट ने एडब्ल्यूएस प्रीमियर टियर सर्विसेज पार्टनर का दर्जा हासिल किया। एलआईसी ने घोषणा की कि सन फार्मा में निगम की हिस्सेदारी 5.023% से घटकर 3.012% हो गई है। ग्रासिम बिरला ओपस नाम से पेंट्स कारोबार शुरू करेगी। टाटा मोटर्स ने नेक्सन का नया संस्करण लॉन्च किया। भारत फोर्ज पैरामाउंट ने भारत में बख्तरबंद वाहनों की एक विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन करने के लिए भारत फोर्ज और कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम्स के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार किया है। पीआई इंडस्ट्रीज और कोपर्ट ने हाल ही में एक रणनीतिक गठबंधन पर हस्ताक्षर किए। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया को नोवेल एमाइड कंपाउंड के लिए सरकार से पेटेंट मिला। जीएमएम पफॉडलर 7 मिलियन डॉलर में प्रोफेशनल मिक्सिंग इक्विपमेंट खरीदेंगे। स्ट्राइड्स फार्मा के एनडीए को एड्स राहत के लिए राष्ट्रपति की आपातकालीन योजना के लिए यूएसएफडीए के त्वरित समीक्षा प्रावधान के तहत अस्थायी रूप से अनुमोदित किया गया है। जी और सोनी के विलय को मंजूरी देने वाले एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ एक्सिस फाइनेंस ने एनसीएलएटी का दरवाजा खटखटाया। केआरबीएल ने घोषणा की कि केयर रेटिंग्स ने केयर ए वन प्लस में कंपनी के 500 करोड़ रुपए के वाणिज्यिक पत्र पर क्रेडिट रेटिंग की पुष्टि की है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने 3.125 मेगावाट एसी ग्रुप कैप्टिव सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए एक्सप्रो इंडिया के साथ पावर डिलीवरी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। महिंद्रा हॉलीडेज ने उत्तराखंड राज्य में क्लब महिंद्रा रिसॉर्ट्स की स्थापना और विकास के लिए उत्तराखंड सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। लेमन ट्री होटल्स ने जूनागढ़ गुजरात और चितवन नेपाल में 2 होटल संपत्तियों के लिए लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एनएमडीसी ने लौह अयस्क की कीमतों में संशोधन करते हुए लंप अयस्क को 4,950 रुपए प्रति टन और फाइन को 4,210 रुपए प्रति टन कर दिया है। पटेल इंजीनियरिंग ज्वाइंट वेंचर ने महाराष्ट्र कृष्णा वैली डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से 250 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी घोषित की। जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। शीला फोम ने फरलेंको में 35% हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। जीएचसीएल को क्रिसिल AA- में 150 करोड़ रुपए के गैर परिवर्तनीय डिबेंचर के लिए क्रिसिल से क्रेडिट रेटिंग में संशोधन प्राप्त हुआ है। इंडसइंड बैंक ने वर्चुअल कमर्शियल कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। 10 शेयर्स